हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में क्लोज फ्रेंड से किस तरह से हटाते हैं किसी को भी। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज करते हो एंड आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में किसी को क्लोज फ्रेंड में रख लिया है लेकिन आप उनको अब हटाना चाहते हो, तो आप कैसे हटा पाओगे मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम से क्लोज फ्रेंड से कैसे हटाना है अपने फ्रेंड को। तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्रोफाइल वाला, तो आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसा कि आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपको कुछ ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इधर पर भी आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ थ्री लाइन वाला, तो आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और गाइस इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देखोगे गाइस, इधर पर आपको कुछ ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इधर पर आपको क्लिक करना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में, और जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हो। तो इधर पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको इधर पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा क्लोज फ्रेंड का, तो आपको क्लोज फ्रेंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लोज फ्रेंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आपने जिन जिन को क्लोज फ्रेंड पर रखा हुआ है उधर पर टिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने किसी को क्लोज फ्रेंड में नहीं रखा है तो उधर पर आपको टिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इधर पर हमने क्लोज फ्रेंड में नहीं रखा है तो हमको इधर पर टिक देखने नहीं मिल रहा है। तो इधर पर आप हटाना चाहते हो क्लोज फ्रेंड से, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको अगर जैसा कि आप देखोगे मैंने इधर पर कुछ लोगों को क्लोज फ्रेंड में रखा हुआ है, अब मुझे किसी को हटाना है तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो इधर पर एमडी साइज, इधर पर एमडी करके एक बंदा है जिसको मुझे हटाना है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा इधर पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद इधर पर जो टिक है वो हट जाएगा। ठीक है, इधर पर टिक हट जाता है, उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है नीचे की तरफ एंड जैसे आप नीचे की तरफ क्लिक कर दोगे तो वो बंदा है क्लोज फ्रेंड से हट चुका है। अगर आपको दोबारा उसी बंदे को आपको क्लोज फ्रेंड में रखना है तो आपको क्लोज फ्रेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक कर दोगे तो इधर पर आप उसका नाम को सर्च कर सकते हो एंड जैसे आप नाम को सर्च कर दोगे तो आपके सामने ना उसकी आईडी वगैरह आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सिंपल सा अभी जो उसकी आईडी मुझे पूरी नहीं पता है, तो आप जिसको भी रखना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर दोगे तो इधर पर ये क्लोज फ्रेंड में हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप क्लोज फ्रेंड से हटा भी सकते हो एंड आप दोबारा रखना चाहते हो आप दोबारा भी रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।